हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूट्यूब के कुछ खास अपडेट के बारे में। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूट्यूब पर आपको हर दिन कोई ना कोई अपडेट देखने के लिए मिलती रहती है। एंड गाइस, आज की वीडियो में जो हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी अपडेट के बारे में जिससे कि आपकी जो चैनल है वो बहुत जल्दी ग्रो करेगा और आपकी वीडियोज़ पर व्यूज़ आने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो वीडियो को अभी से कर दीजिए लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट हमारे चैनल पर आपको देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं फर्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस, ये जो अपडेट है, YouTube अपने प्लेटफॉर्म पे एक AI फीचर अपडेट करने वाला है, जिसमें आपको बहुत सारी मल्टीपल लैंग्वेज आपको देखने के लिए मिलेंगी। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपकी कोई भी वीडियो हिंदी में है और अगर आप चाहते हैं कि फॉरेन कंट्री के लोग भी देखें, या फ्रेंच या इटली या कोई भी लैंग्वेज में आपकी वीडियो देखना चाहे, तो वो अपने एरिया की लैंग्वेज सेलेक्ट करेगा और आपकी वीडियो को वहाँ पे वो देख पाएगा, इजीली वहाँ पे देख पाएगा। इससे क्या होगा कि आपकी वीडियोज़ पे जो व्यूज़ आने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। हालांकि ये बहुत जल्दी आपको अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगा। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं सेकंड खास अपडेट के बारे में। गाइस, सबसे पहले क्या होता था कि आप अपने वीडियोस पर सिर्फ एक ही थंबनेल सेट कर पा रहे थे, बट अब क्या है, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर अब आप तीन तीन थंबनेल आप अपनी वीडियो पे लगा सकते हैं। एंड गाइस, इससे क्या होगा, हालांकि इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लगेगा, आपको नए नए तीन थंबनेल बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना होगा, एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना होगा, बट इससे आपको बेनिफिट भी होने वाला है, क्योंकि अगर आप तीन तीन थंबनेल आप वहाँ पे लगाएंगे तो आप वहाँ पे एनालाइज कर पाएंगे कि आपके किस थंबनेल से आपका CTR ज़्यादा है, यानी कि क्लिक थ्रू रेट किस थंबनेल से आपका ज़्यादा आ रहा है, तो आप उसे लॉन्ग टर्म के लिए उस थंबनेल को वहाँ पे सेट कर सकते हैं। इससे भी आपके जो व्यूज़ हैं और आपकी जो अर्निंग है वो भी इनक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों ये भी बहुत ही कमाल की अपडेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। एंड गाइस, अब बात कर लेते हैं तीसरी और आखिरी अपडेट के बारे में। तो गाइस, ये जो अपडेट आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे मान लीजिए आपने, या फिर बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे होते हैं जिन्होंने फैन क्लब के नाम से, जैसे कि विराट कोहली फैन क्लब, इस तरीके से अनऑफिशियली पेज बनाए हुए हैं। तो गाइस, इनके लिए एक बुरी खबर भी हो सकती है, क्योंकि 21 अगस्त 2023 तक अगर अनऑफिशियली कोई चैनल बना हुआ है तो वो डिलीट भी हो सकता है, यानी कि आपका जो चैनल है वो टर्मिनेट भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने चैनल का नाम और अपना लोगो, या फिर आप अपना कवर फोटो, या फिर आप अपना, जैसे कि आप चैनल का नाम भी चेंज कर सकते हैं, तो आपका जो चैनल है वो सेफ रहेगा। बाकी अगर आप अनऑफिशियली कोई चैनल चला रहे हैं तो आपका वो चैनल यूट्यूब की तरफ से वो डिलीट कर दिया जाएगा। और इसकी लास्ट डेट 31 अगस्त 2023 तक की है। आप इसे जल्द से जल्द अपने चैनल को सेट कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी आगे इन फ्यूचर प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो दोस्तों इनमें से आपको कौन सी अपडेट बेस्ट लगी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही मज़ेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।